जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय शुक्ल यजुर्वेद तथा तैतिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोलते हैं, महामुनि व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मराज का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषि गणों ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित होकर हमारे इस समाज में सम्मिलित ना होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्महत्या लगेगी। हे ब्रज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यजन, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य जी से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तो इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छा अनुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य जी द्वारा वमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितर अर्थात तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसीलिए वे सब तैतरीय कहलाए। हे मुनि सतम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाधरी हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं त्रक यजुः तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है, कला काष्ठा निमेश आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णुमय श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पुत्रगण को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप भगवान सूर्य देव को नमस्कार है, जो हिम जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सत्व मूर्ति धारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता, उन भास्वानंदेव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप भगवान सूर्य देव को नमस्कार है, भगवान सविता सूर्य भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है, देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है
प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं, तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए, जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वंश पायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोतन, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा, वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों की काणव आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।